कुष्ठ सेवा आश्रम के संचालक मंडल की बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में शनिवार राजेंद्र नगर स्थित आश्रम के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कुष्ठ आश्रम के विकास के संबंध में चर्चा की गई तथा संस्था का नाम बदलकर बाबा राघव दास कुष्ठ सेवा आश्रम किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में संस्था के सचिव सुरेश सिंह ने प्रस्ताव रखा कि संस्था के नियमावली में कुष्ठ रोग से अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं निहित की जाएं, जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा कुष्ठ रोगियों के साथ साथ निराश्रित, मंद बुद्धि एवं विभिन्न जटिल रोग से ग्रसित लोगों की चिकित्सा एवं सेवा सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में संस्था के विकास पर भी चर्चा की गई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, जनरल मीटिंग का बैठक था, इस पर यहाँ लेखा जोखा का चर्चा किए थे हम लोग, आय व्यय का, उसके अलावा जो आगे क्या क्या रणनीति बनाना है। वैसे आपको बताए थे इसका नाम परिवर्तन करा रहे हैं हम लोग, बाबा राघवदास जी के नाम जोड़ते हुए, उसके अलावा कुछ मेंबर जोड़ना था। वैसे कल जो समाज कल्याण और विकलांग कल्याण अधिकारी पहले मेंबर नहीं थे, उन लोग को भी जोड़े थे। उसके आगे भी कुछ योजनाएँ यहाँ इसका विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, वो सारे मीटिंग में चर्चा हुई थी, उसका आगे बढ़ाएंगे।